हेलो बच्चों, और क्या हाल है? काफ़ी दिनों से काफ़ी पेरेंट्स के मुझे कॉल आ रहे हैं और बच्चों के भी कॉल आ रहे हैं, क्लास 10th के स्पेशली, कि भाई कब से क्लास स्टार्ट होगी, कब से गया। तो अभी तो लॉकडाउन के चलते कुछ स्टार्ट हो नहीं पा रहा है, ठीक है। होपफुली जल्दी स्टार्ट होगी क्लास। तो जब तक क्लास स्टार्ट नहीं होती तब तक आप लोग अपना घर में टाइम वेस्ट ना करें। इसके रिगार्डिंग मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है, ठीक है, साइंस की बनाई है। अगर कुछ टाइम के और ऐसे होता तो थोड़ी सी मैथ की और थोड़ी सी साइंस की और डाल देंगे, तो आप लोग उसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो जितना मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो आप उसको मतलब पढ़ने की कोशिश करना जितना आपसे हो सके, बाकी मौज मस्ती आप लोग कर ही रहे हो, ठीक है। तो जो चैप्टर है ये फिजिक्स का चैप्टर है, बेसिकली आपका एक चैप्टर है उसका नाम है लाइट, ठीक है। तो क्या होता है लाइट, लाइट के अंदर कौन सी डिवाइसेस लाइट के ऊपर काम करती हैं, ठीक है। मिरर क्या होते हैं, लेंसेस क्या होते हैं, क्या उनके एप्लीकेशन होते हैं, क्या मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, तो ये सब चीज़ आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हो। स्पेसिफिकली जो बच्चे भी 12th में गए हैं उनके लिए भी थोड़ा बहुत ये वीडियो यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि उनके लिए बेसिक का रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। तो वो भी इसको देख सकते हैं। तो और बाकी जिन लोगों को थोड़ा सा जनरल साइंस में इंटरेस्ट है, बैंकिंग वैंकिंग एग्जाम देते हैं, तो वहाँ भी जनरल साइंस का थोड़ा बहुत पोर्शन का भी क्वेश्चन आ जाता है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग इस तरह की बेसिक चीज़ें वो वहाँ पूछ लेते हैं, तो वो भी आप यहाँ सीख सकते हो, ठीक है। तो ये बात करते हैं सबसे पहले लाइट की। चैप्टर का नाम है लाइट। सबसे पहले भाई लाइट तो हम पढ़ रहे हैं, इसके फिनोमिना भी पढ़ लेंगे। सबसे पहले पता होना चाहिए लाइट होती क्या है, लाइट कहते किसे हैं। देखिए हम सबको पता है लाइट कहीं ना कहीं एनर्जी है, ये सबको पता है, एकदम बेसिक बात है बिल्कुल। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट ये एनर्जी करती क्या है, क्या करती है, आप खुद सोचिए लाइट क्या करती है। अगर लाइट ना हो तो क्या आपको कुछ चीज़ दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। लाइट की वजह से ही आपको चीज़ें दिखाई देती हैं, यानी लाइट और हमारी आईज का सीधा सीधा रिश्ता है, ठीक है। इसीलिए लाइट की डेफिनेशन भी हमारी आंखों के अंदर ही छुपी हुई है। समझने की कोशिश करते हैं कैसे। लाइट जो बुक्स लोग, काफ़ी बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन है, बट जो काफ़ी बुक्स में मुझे कंपाइल करके डेफिनेशन मिली वो ये है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ, भाई यार बोलो मेरे साथ बोलो, खाली वीडियो में देखो, बोलते रहो घर में। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैं इसलिए दो बार बोलता हूँ, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज़ अ फॉर्म, यहीं कहीं याद हो जाएगा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट, साइट मतलब देखना, ठीक है। बाकी आप लोग समझ रहे हो। तो लाइट एक एनर्जी की ऐसी फॉर्म है जो हमारी आंख में सेंसेशन ऑफ साइट प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख सकते हैं। भाई आज ही मार्कर है, मुझे क्यों दिख रहा है, ऊपर से प्रकाश आया, प्रकाश माने लाइट आई, इस पे पड़ा, स्कैटर हुआ और ये मुझे दिखा। अगर लाइट ना हो तो ये मार्कर नहीं दिखेगा। अरे सही बात नहीं, सही बात है, मिस्टर इंडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिस्टर इंडिया। लेकिन मिस्टर इंडिया के लिए भी जो लाल लाइट थी वो सेंसेशन ऑफ साइट थी, इसलिए वो लाल लाइट में दिख जा रहा था। चलो तो लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ बेसिकली एनर्जी ही है जो क्या प्रोड्यूस करती है, सेंसेशन ऑफ साइट। अब जो नोट्स वोट्स, इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप चॉइस है लिखना तो आप रफ नोट्स बना लीजिए, बाकी जो नोट्स होगी तो क्लास स्टार्ट होगी तो आप लोगों को मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, इसकी टेंशन नहीं है। और डीप में पढ़ाऊंगा, अभी बस इतना है कि बेसिक है, ताकि आप लोग जब बुक्स पढ़े तो आपको बुक्स पढ़ने में दिक्कत ना हो। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है, ठीक है। चलिए, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट, हो गया, ठीक है। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, मैक्सिमम के मन में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि तो बस चल रहा है काम, बट जो थोड़ा सोचें और समझें उनके मन सवाल आ रहा होगा कि लाइट में एनर्जी आई कहाँ से, लाइट को एनर्जी दी किसने, ठीक है। तो समझिए, लाइट के अंदर भी एक पार्टिकल होता है, फंडामेंटल पार्टिकल उसको बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं फोटोन। तो लाइट की एनर्जी के लिए फोटोन ही रिस्पॉन्सिबल है। अब क्या होता है फोटोन, ठीक है, इसको आप जब 12th क्लास में जाएंगे तो आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, इस पार्टिकल के बारे में, फोटोन के बारे में। अभी 10th क्लास के हिसाब से आप सिर्फ ये जान लीजिए कि लाइट के अंदर एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन, ठीक है। इसकी वजह से एनर्जी, मतलब एनर्जी, और एनर्जी का फॉर्मूला भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, ई इज इक्वल टू एच न्यू। ई होती है एनर्जी, एच होता है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, नहीं पता तो कोई बात नहीं, 11th में जब जाओगे तो सीख जाओगे। न्यू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, क्या होता है बोला यार, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। तो और कुछ लोग इस फॉर्मूले को इस तरह से भी स्प्लिट करके लिख सकते हैं, एच फिर से प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, न्यू की वैल्यू सी बाय लैम्डा, ठीक है, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है फॉर्मूला। सी होता है स्पीड ऑफ लाइट एंड वैक्यूम, ठीक है, और लैम्डा होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए अब हमने 10 मिटा दिया वेवलेंथ ऑफ लाइट। अरे भाई वेवलेंथ की डेफिनेशन बड़ी मज़ेदार है, अगर आप कभी वेवलेंथ की डेफिनेशन समझे तो वो भी बड़ी मज़ेदार है। वेवलेंथ पे जाएंगे आप लोग, SHM पढ़ेंगे, SHM के अंदर आप लोग वेव्स पढ़ेंगे, वहाँ आपको इसकी डेफिनेशन जानने को मिलेगी, वेव्स एंड ऑसिलेशन के अंदर लैम्डा। तो
अभी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा वेवलेंथ के बारे में जब मैंने लिखा है वेवलेंथ, ठीक है, तो पता लग जाएगा जैसे आगे आगे जब जितने ज़्यादा मैं ऑनलाइन आता रहूँगा वीडियो बना रहा हूँ तो आपको और चीज़ें बेसिक बेसिक क्या होता है पता है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम स्पेशली जो साइंस के बच्चे होते हैं इनको पढ़ के एकदम निकाल देते हैं, इनके बहुत बढ़िया बढ़िया मीनिंग होते हैं, ठीक है, जैसे लैम्डा का बहुत सही मतलब है, ठीक है, ऐसी फ्रीक्वेंसी है उसको समझने बैठ जाएं तो पूरी पूरी वीडियो बन जाए, ठीक है, बट चलो कोई नहीं, अब बात करते हैं थोड़ी लाइट के ऊपर आते हैं, मैं अपनी वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा, तो लाइट के ऊपर आते हैं, अगर हम लाइट के आपको तो दो चीज़ समझाऊंगा, एक होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और एक होता है नेचर, पहले बात करते हैं लाइट की कैरेक्टरिस्टिक की, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, अगर लाइट के मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो समझने कोशिश करना, सबसे पहला बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हमेशा रखना, लाइट कभी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, लाइट कभी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में, अरे भाई पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, देखिए सीधा जाएगी कैसे, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, आशिकों की तरह नहीं होती, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, आशिकों से याद आया मेरे पास एक लड़का है चटपट भाई, कुछ हुआ होगा, बड़ा परेशान एक दिन आ गया मेरे पास, कह रहा भैया यार ये हो गया ये हो गया, बड़ा दुखी अपनी ज़िंदगी को लेके, ठीक है, छोड़ दिया आपके अंदर, फिर रो रहा है, अरे भाई मोटिवेशन रखो अपने अंदर, अरे एक गई कोई बात नहीं, दूसरी के लिए ट्राई करेंगे, तीसरी के लिए ट्राई करेंगे, हिम्मत रखो, हिम्मत हार जाते हैं भाई, हारना नहीं है, ट्राई करते रहो, उससे अच्छी मिलेगी, ठीक है, तो लाइट हमेशा एक पॉइंट दूसरे पॉइंट का ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, पहला पॉइंट, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, कुछ लोग न्यू से डिनोट करते हैं, कुछ लोग एफ से कर देंगे, मेरे चॉइस है, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, मीडियम समझ रहे हैं, अरे बोलो यार, मान लो ऊपर एयर है और नीचे वाटर है, लाइट यहाँ से आई और इस तरह से ट्रेवल करी, यहाँ से मुड़ी क्यों, इसको भी जानेंगे, इस ये भी फिनोमेना है, तो लाइट की मान लो ऊपर फ्रीक्वेंसी थी, मान लो ऊपर इसकी फ्रीक्वेंसी थी 2 मेगाहर्ट्ज़, मान लो, तो वाटर में जाने में भी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2 मेगाहर्ट्ज़, यानी कि सिर्फ 3 पैरामीटर होते हैं, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इन तीनों में से सिर्फ फ्रीक्वेंसी ही ऐसा पैरामीटर है जो मीडियम टू मीडियम चेंज नहीं करता, सेम रहेगा, चाहे लाइट कहीं भी जाए फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम, ठीक है, पहली चीज़, और लास्ट इसका पैरामीटर, इसको बात करते हैं, ये क्या है, क्या चीज़ चेंज होती है, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, ये दोनों मीडियम टू मीडियम वेरी करती हैं, तो क्या ये चेंज करती हैं, यस ये मीडियम टू मीडियम चेंज करती हैं, ठीक है, और एक बहुत ज़्यादा आपने ये पॉइंट सुना होगा, ये पॉइंट आप लोगों ने 9th क्लास सुनते बारे होंगे, आपने जैसे साउंड के बारे में सुना था, साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल, तो बिल्कुल उसके उलट लाइट इज ट्रांसवर्सल, तो एक कैरेक्टरिस्टिक आप और ध्यान से लिख सकते हैं, लाइट इज ट्रांसवर्सल इन नेचर, या एक्चुअली नेचर के अंदर पढ़ाना चाहिए बट मैं ही पढ़ा रहा हूँ, लाइट इज ट्रांसवर्सल इन नेचर, ठीक है, अब मन में आया ये वर्ड ट्रांसवर्सल क्या होता है, ठीक है, याद रखने का सिंपल तरीका, एल से लाइट, एल से लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती तो क्या होती है, ट्रांसवर्सल, लाइट लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती तो क्या होती है, ट्रांसवर्सल, याद रखना, अब कन्फ्यूजन बड़ा होता है, लाइट इज ट्रांसवर्सल इन नेचर, अब समझते हैं ट्रांसवर्सल क्या होता है, जो वर्ड ट्रांसवर्स है ये टिपा गया है मैथमेटिक्स से, कहाँ से टिपा गया है, मैथमेटिक्स से, मैथ में ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो बस यही तो चीज़ है, जैसे साउंड क्या होती है, आपने यहाँ से बोला, ठीक है, मीड एयर के पार्टिकल कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, बिल्कुल मॉलिक्यूल्स के साथ साथ साउंड जा रही है, तो जिधर मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं उधर ही साउंड जा रही है, लेकिन लाइट में ऐसा नहीं होता, लाइट में अगर मॉलिक्यूल्स आगे जा रहे हैं तो जो वो लाइट स्कैटर करेंगे वो अपनी डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली स्कैटर करेंगे, अरे बोलो यार, समझ आ रहा है, ठीक है, तो जैसे लाइट जा रही है, ठीक है, तो जो पार्टिकल जो स्कैटर होंगे लाइट के, जो लाइट जो स्कैटर होगी वो कुछ ऐसे होगी, बिल्कुल इसके ऊपर बिल्कुल इसके नीचे, बिल्कुल इसके ऊपर बिल्कुल इसके नीचे, तो इसका मतलब लाइट के पार्टिकल्स गए आगे, मतलब बेसिकली लाइट का मोशन क्या है, आगे, लेकिन जो उसके पार्टिकल्स की स्कैटरिंग है वो बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर हो रही है, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, इसीलिए बनाता है ट्रांसवर्सल नेचर, मतलब जहाँ साउंड जा रही है, देखो साउंड में क्या, बिल्कुल साउंड गई वहीं पार्टिकल गए, लाइट में ऐसा नहीं होता, लाइट गई ऐसे और पार्टिकल गए ऐसे, तो इसीलिए लाइट को बोल, लाइट का नेचर क्या होता है, ट्रांसवर्सल नेचर, ठीक है, और लाइट के नेचर के ऊपर तो बड़ी बड़ी मस्त मस्त थ्योरी बनी हुई है, ठीक है, देखो लाइट को, लाइट का जो चरित्र होता है उसको बोलते हैं दोहरा चरित्र, दोहरा मतलब डुअल नेचर,
तो कोई भी आपसे पूछे कि भाई ट्रांसवर्सल तो है, चलो तो ये तो अलग चीज़ है, तो कोई आपसे पूछे व्हाट डू मीन बाय डुअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट का दोहरा चरित्र होता है, दोहरा मतलब डुअल नेचर, समझते हैं क्या होता है डुअल नेचर। देखो इसका मतलब लाइट दो तरीके का बिहेवियर शो करती है, किस बिहेवियर शो करती है, दो तरीके का, वहाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा है लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा था, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, किस तरीके का बिहेवियर शो करती है, दो तरीके का। पहला उसको बोलते हैं वेव नेचर, क्या बोलते हैं भाई, वेव नेचर। दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। अब बात करते हैं वेव नेचर पार्टिकल नेचर में क्या क्या दोनों में थोड़ा सा फर्क है, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए लाइट वेव नेचर इसलिए जो करती है क्योंकि लाइट कुछ ऐसे फिनोमिनाज दिखाती है जनरली जो वेव्स दिखाती हैं, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सारे फिनोमिनाज वेव्स दिखाती हैं, इसलिए लाइट को बोलते हैं वेव नेचर। और वैसे भी जब लोग थोड़ा सा आगे जाओगे, थोड़ा सा बड़ी क्लास में जाओगे, आप लोग सीखोगे ईएम वेव, ईएम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम होता है, उसके अंदर बहुत सारी टाइप्स ऑफ वेव्स होती हैं, तो इस तरह से बहुत सारी वेव्स होती हैं उसके अंदर, उनमें से उसका कोई एक टाइप, उसमें से उसका कोई एक टाइप उसको हम कहते हैं विजिबल फॉर्म, तो वो विजिबल भी होती है, वही लाइट होती है कहीं ना कहीं। तो क्या ये विजिबल वेव के अंदर नहीं आया, आया, तो जब विजिबल वेव के अंदर आया तो लाइट भी वेव के अंदर आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, बोलो यार, आना चाहिए, आ गया, ठीक है, ये तो हो गया वेव नेचर। दूसरा आता है पार्टिकल नेचर। आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि लाइट के अंदर एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है फोटोन, बिल्कुल सही, तो उस पार्टिकल की वजह से ही लाइट को बोलते हैं लाइट इज ऑल्सो हैविंग पार्टिकल नेचर, इसीलिए। और पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए भी फिनोमिना है, ठीक है, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो वेव, वो लाइट, सॉरी, वो लाइट के पार्टिकल नेचर को ही समझाता है, ठीक है, सही है ना, सही बोलूंगा भाई, ठीक है, तो ये होगी दो चीज़ें। उसके अलावा, उसके अलावा, उसके अलावा, ठीक है, और अगर हम थोड़ा सा, अगर हम लाइट को और ढंग से समझने की कोशिश करें तो इन दोनों को कंपाइल करके एक थ्योरी कहलाई गई है, उसको बोलते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है, क्या क्वांटम भाई, कुछ लोग नहीं, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के अंदर इन लाइट के बारे में ही डिस्कस किया गया है, और लाइट की जो ये डुअल थ्योरी है इसी को पढ़ा गया है, ठीक है, उसको बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट, तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट इसी से डील करती है, ठीक है, बोलो। तो ये हुआ आपका बिल्कुल ही बेसिक कि लाइट होती क्या है, तो जो आपको अगली वीडियो मिलेगी उसमें आपको पढ़ाऊंगा रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसमें हम कंप्लीट रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन, उसके टाइप्स, फिर हम मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है, टिल देन गुड बाय।